उर्वशी किरण शर्मा का न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तारिया वाला आसमान। खास बात यह है कि वुमेंस डे पर यह सॉन्ग लॉन्च हुआ है और ये वुमेंस को डेडिकेट किया गया है। इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया है अनुराग ने और इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है कार्तिक रस्तोगी ने। सब मिलाकर गाना सुनने लायक है। लॉन्चिंग पर सभी ने खूब मस्ती की। उर्वशी किरण शर्मा ने अपने आवाज़ के जादू से कई घंटों तक लोगों को बांध के रखा। Okay, time to get to the play.
ओके वेल डन कार्तिक ये था तारा वाला आसमां आई रोट तारा वाला आसमां आई मैंने लिखा वो और मैंने वो कंपोज भी करा कार्तिक केम टू मी विद अ स्क्रिप्ट एंड सेड उर्वशी वी हैव टू मेक अ सॉन्ग और हम लोगों ने वाकई बहुत 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 मेहनत की है स्पेशली दोनों बच्चों ने और कार्तिक ने मेरा तो ठीक है बट इन लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है सो प्लीज़ आप लोग सब लोग आपस में शेयर कीजिए औरों को भी दिखाइए ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ वाकई आप सब ने हमारे को पसंद किया थैंक यू ये गाना जो स्टार्ट किया था उन्होंने बना रहा इट वॉज काइंड ऑफ कि चलो यार अच्छा बनाते हैं पहला प्रोजेक्ट लोगों का एंड गोविंद से और ऋषि को जानता था मैं स्टार्टिंग से सो वी एक्चुअली वी यूज सिंगिंग ऑफ व्यूज कैच योर ब्रेन वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ जिंगल या सो वी वर एक्चुअली मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर एंड देन वी थॉट चलो यार एक गाना बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा So then we started actually developing the script and we just wrote it. And uske baad gaana bana. Ashman is here. Yeah. And a lot of our team members are missing. So Anugra, Megha, Sakshi, Sondarya. I'm sorry if I'm missing out on any names. Gagan Singh Kundu, the funniest one. Who else? I don't know. If I'm missing out on names, I'm sorry. Kartiki Bua. उनकी बेटी जिन्होंने अपना घर दे दिया एवरीवन सो ऑल ऑफ यू हु आर देयर एंड हु कुडंट बी हियर विद अस थैंक यू बहुत कंट्रोवर्शियल है सी इट्स बैड दैट इट हैपेंस बुरा है कि ये सब होता है
बट आई थिंक धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब हम सब यू नो पीपल आर ग्रोइंग टूवर्ड्स लिटरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा, कम हो जाएगा ये धीरे धीरे. सो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी और एक कोशिश कर सकते हैं जैसे मैंने तारे वाला आसमा के थ्रू की है. हम कोशिश कर सकते हैं और बाकी सब प्रभु भरोसे. आई होप सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब बात करते हैं आपके सॉन्ग के बारे में. कितना मेहनत लगा आपको इस सॉन्ग बनाने के लिए? बहुत मेहनत लगी, बहुत एक्चुअली बचपन से मेहनत लगी, क्योंकि तारे वाला आसमा इज़ अ स्टोरी. पूरा बचपन से लेके आज तक की पूरी कहानी है, एक पूरी स्ट्रगल है. कैसे कैसे मैंने ड्रीम्स यू नो देखे, कैसे हर आर्टिस्ट ड्रीम्स देखता है, क्या क्या वो फेस करता है, कितने लोगों को वो पीछे छोड़ के चले जाता है, यू नो कितने लोग छोड़ देते हैं, कितने धोखा देते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं. इट्स एन एंटायर स्टोरी ऑफ दैट एंड यू नो अ जर्नी ऑफ अ पर्सन यू नो फ्रॉम बींग अ रैंडम पर्सन एंड देन बिकमिंग समथिंग. जैसे कि मेरी वीडियो में भी है लतिका जो मेरी हाउस हेल्प होती है, वो अल्टीमेटली मेरी हाउस हेल्प से एक डायरेक्टर बन जाती है. तो तारे वाला आसमा इज़ ऑल अबाउट दैट, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें. तो फाइनली आपका पहला सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, आपको कैसा फील हो रहा है? बेस्ट. आई थिंक सबसे अच्छी फीलिंग ये है कि ये गाना लिखा भी मैंने ही है और कंपोज भी मैंने किया है इस और गाया भी मैंने है. सो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इट्स मेकिंग मी फील वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आपका नाम क्या है? तनुष्का पम्मानी. फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ हैप्पी वुमेंस डे. आप वुमेंस डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक वुमेंस डे इज अ लाइक वुमेंस डे ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली पूरा साल ही वुमेंस डे होता है आजकल के ज़माने में. लाइक आज के टाइम में वुमेन को रिस्पेक्ट करना इतना ज़रूरी हो गया कि एवरी डे हमारे लिए स्पेशल होता है. बट ये स्पेशल डे पे आई थिंक इट्स दैट लिटिल एफर्ट दैट गोज इन एंड पीपल आर मेड टू फील स्पेशल विच इज़ गुड. एंड आज के ज़माने में बहुत अवेयरनेस हो गई है रिस्पेक्ट वुमेन एंड वुमेन एजुकेशन एंड लाइक वर्किंग वुमेन, रिस्पॉन्सिबल वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया अभी. अभी हमारे देश में जो माहौल चल रहा है वुमेंस को लेके, वुमेंस को सेफ्टी को लेके, रेप को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये इश्यूज़ मेरे हिसाब से तो हमेशा से ही थे. आजकल मीडिया का रीच इतना हो गया है कि आजकल इसलिए ये सब इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस हो गया है एंड लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है ये बारे में. एंड इन अ वे इट्स वेरी गुड बिकॉज आजकल के टाइम पे आप देखेंगे जितने वुमेन बाहर निकलते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पहले के कंपैरिजन से अभी ज़्यादा हो गया है. तो उसके रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस उनको है वो इम्पॉर्टेंट है. एंड केयरफुल रहना और हर किसकी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैडम आज के गाना जो उर्वशी जी का गाना लॉन्चिंग है आज में, उसमें आप कितना एक्साइटेड हैं? एक्चुअली मैं बहुत लाइक मैं काइंड ऑफ उनके हमने म्यूज़िक वीडियोस देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं एंड वेरी टैलेंटेड गर्ल. सो वी आर अ न्यू टैलेंट इन बॉम्बे दैट इज़ कमिंग इन. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच मैम. आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे ओके न्यूज़ के लिए? हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल फर्स्टली एंड बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल एंड लिव लाइफ एंड एंजॉय. थैंक यू सो मच मैम. माय नेम इज दिव्या. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ हैप्पी वुमेंस डे. थैंक यू सो मच. आप मैम वुमेंस डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी कि वुमेंस डे होता है बिकॉज देयर इज वन बहाना फॉर एवरीवन टू रिमेंबर कि यू हैव टू वैल्यू दिस पर्सन वुमेन इन योर लाइफ. बट एज एवरीवन सेज एंड आई बिलीव इट टू कि एक दिन नहीं होता है, एवरी डे यू शुड सेलिब्रेट द वुमेन इन योर लाइफ, द वुमेन इन योर लाइफ. सो या बट आई एम रियली हैप्पी दैट देयर इज वन डे वी कीप एवरीवन नोटिसेस देम, पीपल वांट टू स्पेशल थिंग्स फॉर द वुमेन इन देयर लाइफ, सो इट्स ग्रेट. मैम हमारे देश में जो माहौल चल रहा है वुमेंस को लेके, वुमेंस सेफ्टी को लेके, रेप को लेके, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप कितना सेफ फील करती हैं रोड पे जाती हैं? मुझे एक्चुअली डर लगता है एंड आई डू नॉट फील वेरी सेफ इन माय कंट्री एंड आई रियली होप दैट द पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिसी मेकर्स डू समथिंग अबाउट दिस बिकॉज वी डिजर्व इट. बट रिलेटिवली मुंबई में हम सेफ हैं बट देर आर अदर सिटीज, स्मॉलर टाउन्स वेर रियली स्टेप्स नीड टू बी टेकन इन गुड़गांव, दिल्ली एंड ऑल, दे रियली नीड टू डू समथिंग. मैम आज उर्वशी जी का गाना लॉन्चिंग है, कॉन्सर्ट है, उसके बारे में आप क्या कितना एक्साइटेड है? वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स वुमेन्स डे, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर व्हाट दिस गर्ल कैन ब्रिंग, हाउ शी कैन सिंग, आई वांट रियली वांट टू हियर, सो इफ यू लेट मी गो देन आई विल. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले विश यू अ हैप्पी वुमेंस डे आपको. थैंक यू सो मच. मैम आज जो वुमेंस डे है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वुमेंस डे इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज फॉर अससेल्फ बिकॉज वी गेट अ चांस टू डिस्कवर वुमेन हाउ दे आर वर्किंग, हाउ हार्ड वर्किंग दे आर and how can they achieve their dreams, and that's also based on a music video for women, that is Women for Women. So I'm really glad that I got this role, and jisme ek series hai how a poor woman or unprivileged girl can achieve her dreams if she's passionate enough. हमने आपका वीडियो देखा. वीडियो में आपने काफ़ी लोगों को इमोशनल किया, काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया आपने. थैंक यू. आप बताना चाहेंगे कितना मेहनत लगा आपको पूरे वीडियो बनाने में? टू बी ऑनेस्ट, मैंने स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझा. डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स हेल्प मी अ लॉट टू गेट इन टू दैट जोन, गेट इन टू दैट रोल, एंड इट हैपेंड ग्रेजुअली व्हेन वी आर शूटिंग, एंड सो इट टेक्स टाइम फॉर लाइक to get in that role, in that zone, and it comes out very naturally. Thank you, ma'am. Ma'am, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वुमेंस डे के लिए? I would just like to say that go achieve your dreams. It's not, ऐसा नहीं है कि वुमेंस कुछ नहीं कर सकती. Motivate yourselves and just work, keep working hard. Don't step back at any cost. Thank you, ma'am. Thank you. आज वुमेंस डे है, वुमेंस डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से वुमेंस डे एक ऐसा इवेंट है फॉर मी जिसे आपको पता चलता है कि वुमेन की रिस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए. आज के टाइम पे जितने रेपिस हो रहे हैं दुनिया में, जो चीज़ें हो रही हैं बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उसको आप कैसे निकाल सकते हो लोगों के सामने कि अच्छा भाई हमें ये नहीं करना है, हमें और आगे बढ़ना है, इन चीज़ों से आगे उठ के कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए. तो फॉर मी वैसे लोग रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की हेल्प करो, आगे बढ़ो. जो हमने वीडियो में शो किया कि अगर एक कोई बंदा क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, बोल नहीं सकता लेकिन काम कर सकता है, उसको आप आगे लेके आओ ना कि उसको पीछे रखो. हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ होती है कि लोग आते हैं लेकिन पेट का प्रेशर होता है, स्वेट का प्रेशर होता है, इस फील्ड में जाओगे क्या करोगे. तो मेरे ख्याल से वो चीज़ अगर है तो हम लोग ख़त्म करनी चाहिए. लोग बताना चाहिए कि अगर ये लड़की कर सकती है, जो लड़की बोल नहीं सकती है, वो क्रिएटिव है, वो कुछ कर सकती है, तो क्यों उनके बच्चे नहीं? जैसे कि इस वीडियो के आप प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं एक्टर लोग से या सिंगर से? मेरे लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज हमें जो मैसेज कन्वे करना था वो हमारा कन्वे हुआ है. सो आई एम डेफिनेटली 100% सेटिस्फाइड. बाकी पता चलेगा कल जब रिलीज होगी वीडियो यूट्यूब पे कि किसको क्या अच्छी लगी, कितनी क्या अच्छी नहीं लगी. अभी जो हमने यहाँ पे लॉन्च के टाइम पे देखा रिएक्शन बहुत अच्छा था और आई होप अच्छा रहेगा. आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? अभी इस साल में उन्होंने 5 से 6 गाने निकाली की प्लानिंग है. सो अगर गॉड हेल्प करेंगे तो यस निकल जाएगा. आज वुमेंस डे है, हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे वुमेंस डे के बारे में? एक चीज़ बोलूँगा कि आप वुमेंस की रिस्पेक्ट करिए एंड उनको किसी चीज़ से और ऊपर बढ़ के देखिए ताकि हमारी सोसाइटी इंप्रूव हो, इंक्रीज हो, तो आगे वाली जो पीढ़ी है, जो आगे के लोग बच्चे आने वाले हैं, उनको हेल्प मिले, उस चीज़ से देख के इंस्पिरेशन मिले. थैंक यू सो मच. आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है तो आप आज वुमेंस डे है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सो वुमेंस डे इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रेशियस फॉर एवरीवन. इट्स अ वन टाइम थिंग वेयर इट्स अ ट्रिब्यूट वेयर यू कैन पे टू वुमेन एंड सिंस दिस सॉन्ग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वुमेन एंड डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर वुमेन बिकॉज टू बी ऑनेस्ट दे डिजर्व अ लॉट एंड इवन आफ्टर दैट इन द सोसाइटी दे आरंट रिस्पेक्टेड दैट मच विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. That's the main thing. We as event companies, we focus on one thing, that why not get all the women in place and why not, you know, create a special moment for them because they work so much for us. They do each and every possible thing to, you know, get us the way we are, the way men are as of now. So we need to focus on, you know, how to get them up as the way they are getting us up. We have to give them the same emotional support, the same mental support. So yeah, organizing this event, like I know Karthik because he the producer of the music video because he was my classmate. And he came up to me and he's like, since the song is based on Women's Day, like, you know, it's based on hashtag Women's for Women, Women for Women. So
why not like do something about it? Like, I mean, since nightlife is so much into progression as of now, so why not, you know, just create a platform where we all come together, we promote this, we take this opportunity to, you know, get everyone together and then, you know, just make someone's day special. So yeah, it just all started with an idea and it continues with that idea, and then I'm very sure about this that a lot of women are happy with this. So yeah, cheers to all the women. तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या लोगों को बता सकते हैं कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, या फिर कुछ टिप्स दे सकते हैं हमारे दर्शकों को आप? डेफिनेटली सो इवेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसा कि हम मेनली स्पेशलाइज करते हैं नाइट लाइफ इवेंट्स में. सो पुलिंग इन क्राउड इज आर मेन फोर्टे, गेटिंग टू नो लाइक द पीपल शुड नो दैट ओके देयर इज सम इवेंट हैपनिंग एट दिस प्लेस. सो पुलिंग इन क्राउड फॉर द नाइट लाइफ इज वेरी इजी एज कंपेयर टू इवेंट्स लाइक दिस. नाउ having live nights is something which is very critical in the Mumbai market, but yeah, if you have a genre like this, it is very difficult to promote as well, because you know, every time if there's Valentine's Day, so Valentine's Day originated and it's a big hype. At the same time, there have been genres, there have been series is what have been happening with Valentine's Day as well. Women's Day is something which is not hyped up, so why not take this opportunity to hype it up? And that's the main forte to do that. So it took us a lot of while. We were on this thing from the past 15 days, and from organizing the entire setup to letting the people know, because digital media has given us that platform where you reach out to the masses. And yeah, it took us a while. We had to, you know, go here and there to and fro, word of mouth, promotions on Instagram, Twitter, and yeah, it took us a while, but then at least creating awareness about something which can reach out to the women, nothing like that. So aap kitne time se kar rahe hain ye events? So my company is 3 years old. I have been in this business from the past 2 years. I think my company is already found. I joined this 2 years back and mainly started off with low-key nightlife events. But yeah, slowly by progressing, we've tapped into corporate markets as well. I've been there, I've finished around 114 events as of now. And yeah, looking forward to, like, you know, go on with it and spread the message, like, you know, just be there for everyone. आज जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको सॉन्ग? दिस सॉन्ग इज फैंटास्टिक. इन फैक्ट आई न्यू अबाउट दिस सॉन्ग, आई वाज देयर थ्रू आउट, सो आई नो समथिंग फॉर द फैक्ट. व्हेन कार्तिक केम अप टू मी एंड ही इज लाइक, वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस, बिकॉज दिस सॉन्ग बेसिकली फोकसेस ऑन वुमेन, राइट? सो आई मीन, वुमेन्स डे इज समथिंग व्हिच is the best platform where you could do something good for them, and the song conveys a deep message, because as men, we always are about one thing, that everywhere when it comes to women empowerment, when it comes up to any sort which focuses women, it's all about men. That's the reason hashtag women for women stands out, because we've never ever heard a term like women for women. So men aren't the only thing where they can always put up women, but women themselves are so strong enough that they can elevate and lift up another woman as well. So yeah, this song is very heart touching that way, and hopefully once this goes on YouTube, people would understand what we are trying to convey to them, and yeah, we just like hoping good things for them. So yeah. तो आज वुमेन्स डे है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? Just we've often heard about negativity and women empowerment and men doing this, men doing that. I mean, we have to stop this rubbish somewhere down the line, and won't make like a very derogatory statement, but then yeah, this has to end somewhere down the line. So yeah, as I said, hashtag women for women. So women are the main factor, and we are men, like we men are have attained a possibility, we men have attained a position because of women. If women weren't there, we couldn't do anything. So yeah, cheers to women empowerment, cheers to women. That's it. Thank you, sir. Thank you so much.